बाइक होगी बॉन्ड बाइक ही। छिल गया हूँ पूरा हाथ मेरे ना, पता नहीं क्या क्या हो गया भाई। अरे गरीब एकदम से फंसी थी इसके अंदर, बढ़ गया। पार्टी नहीं होएगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप सबका फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं जा रहा हूँ बाइक लेने, जो कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया है कि यहाँ भी कौन सी लेने जा रहा हूँ। जिस जिसको इसका नाम पता है वो जरूर कमेंट में लिख दे इसका नाम, और आप सबको कैसी लगती है वो भी जरूर बताएं कि आप सबको कैसी लगती है ये बाइक। तो मैं अभी जा रहा हूँ घर पे, एक बार ये टी शर्ट और नीचे ये लोअर डाल रखी है चेंज करूंगा, चेंज करके फिर निकलूंगा मैं, और एक दोस्त आ रहा है उसी की बाइक पे जाऊंगा मैं। तो जल्दी से रेडी होकर मिलते हैं आप लोगों को दोबारा से। और भाई आ गया अपना, अब हम निकल पड़े हैं बाइक के लिए। खुशखबरी खुशखबरी। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं दोनों कहाँ पे? बाइक लेने। कमेंट में फसल बचा दो, आग लगा दो। जल्दी से शोरूम पहुँचते हैं क्योंकि इंतजार नहीं हो रहा है भाई बिल्कुल भी। तो शोरूम पहुँच चुके हम, सामने ये रहा शोरूम का नाम, जय दुर्गा ऑटोज। एंट्री करी हमने और एंट्री करते ही आपको बाइक दिखाते हैं। फाइनेंस करने वाला बंदा भी थोड़ा टाइम लगाएगा आने में, तो हमने सोचा बाहर चल के तो कुछ खा आते हैं, तो निकले खाने पीने वास्ते। अरे गरी एकदम से फंसी थी इसके अंदर, बढ़ गया। छिल गया हूँ पूरा हाथ मेरे ना, पता नहीं क्या क्या हो गया भाई। अब तो मैं बाइक होगी बॉन्ड बाइक ही भाई। नहीं भाई, एजेंसी से बाहर ही निकले थे यार चाय पानी पीने वास्ते कुछ, और इतने में चौंकी लग गई। बताओ आए थे अच्छे काम वास्ते, होगी चौंकी लग गई अलग भैंस की। आप क्या ही करें, अभी भी खड़े हैं वहाँ। एजेंसी वालों को बार बार फोन आ रहा है, कहाँ रह गए सर, आ जाओ सर, बंदा आ गया आपका। चलो देखते हैं, पहुँच रहे जा रहे पैदल एजेंसी में, क्या सीन होता क्या नहीं होता। अब बंदा बुला रहा है एजेंसी वाला ही लेने आएगा हमें, ये भाई आ गया एजेंसी से लेने। अरे यार आए थे हम निकलते ही आगे मिली नहीं दुकान, हम थोड़ा सा आगे निकले फिर। हाँ इतने में बैठ जो बंदा ने वो कर लिया, चला बैठ। ये भाई लेने आया स्पेशल एजेंसी से। खैर लगी तो कम है, खैर बहुत लगी। वैसे ऐसे दिख नहीं रहा ना, वैसे पता चल रहा होगा तुझे। ओ भाई होगी भाई तैयार अपनी गड्डी, पिछले महीने ले रही है। ये खड़ी अपनी धन्नो, क्या नाम रखो इसका यार? वैसे कमेंट में बता देना इसका क्या नाम रखो, वैसे मैं प्यारी लग रही ना बहुत, नाम जरूर बता देना कमेंट में कि इसका बाइक का नाम क्या रखूँ मैं अपनी। क्यूट सी बाइक है, क्यूट लग रही ना बहुत। मैं लल्ला लल्ला रख देता हूँ, लल्ला लल्ला ठीक है वैसे। चीन टपाक और बाइक लेके निकल चुका हूँ मैं, जा रहा हूँ पेट्रोल पंप। पहले पेट्रोल डलवाएंगे इसमें, फिर जाएंगे। एक्चुअली मेरी क्लास का टाइम भी हो रहा है, 5:30 बजे मेरी जिम में क्लास होती है। जिम में क्लास लगा के फिर उसके बाद जाना पड़ेगा मेरे को अपनी एकेडमी में, एकेडमी में क्लास लगा के फिर जाऊँगा इसको मंदिर में लेके, क्योंकि टाइम नहीं है, क्लास भी ज़रूरी है। छुट्टी मांगी नहीं मैंने, छुट्टी बोली भी नहीं बच्चों को, तो बच्चे भी आ जाएंगे और सारे स्टूडेंट भी आ जाएंगे जिम वाले। तो बाइक लेके डायरेक्ट मैं आ गया हूँ जिम में, तो जिम में अब क्लास लगा के निकलूंगा डायरेक्ट अपने एकेडमी की क्लास के लिए। एकेडमी में क्लास लगा के फिर जाऊंगा मंदिर, तो जल्दी से यहाँ की क्लास लगा के निकलते हैं। जिम में क्लास लगा के डायरेक्ट मैं एकेडमी पहुँच गया, क्योंकि वीडियो बनाने का टाइम नहीं था, तो फटाफट मैं अपनी एकेडमी पहुँच गया और एकेडमी पहुँच के वीडियो बना रहा हूँ। तो बच्चे इंतजार कर रहे थे मेरा, और ये बच्चे बाइक देखते ही खुश हो गए, देखते क्या क्या बोल रहे और क्या रिएक्शन है इनके। लेकिन ले ली पार्टी नहीं होएगी। कौन सी पार्टी? इतना पैसा लगा के आ रहा हूँ क्या मैं? क्या इतना पैसा लगा के? कैसी लग रही बाइक? कैसी लग रही बता? कैसी लग रही है ये बता, जल्दी बता।
बोल भी, बेकार लग रही है, अच्छी है ना? है? कैसी लग रही है? बेकार लग रही है, है? अरे बोल तो दे कुछ। गाइस इधर पूछो गाइस। कैसी लग रही है? ये मुझे अच्छी लग रही क्योंकि मेरी भी कैसी लग रही है? वो भी पसंद है, बाइक दे दो भैया मैं गिफ्ट दे दूंगी। गरीब लोग मांगना। कैसी लग रही है? ब्लैक है ना, देख स्विम तेरी टी शर्ट जैसी है ना। कैसी लग रही है निकुंज? अच्छी लग रही है ना? थैंक यू। कैसी लग रही है बेटा बाइक? अच्छी लग रही है ना? तुम तो देख के भी आए हो बाहर से, अभी घूमना है बाइक पे। मंदिर जा रहे हैं, मंदिर। अकेला था पर मैं सोच रहा हूँ भाई को ले लूँ, जा रहा हूँ भाई जहाँ जॉब करता वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ से भाई को लूँगा फिर निकलूँगा मंदिर जाऊँगा। मेरे पहुँचने से पहले यहाँ पे दो स्कूटी और एक मेरे पीछे एक कार खड़ी थी, तो उनकी आरती भी होनी है। देखते हैं किसका किसका नंबर लगाएंगे पंडित जी। तो बाइक का नंबर लगने से पहले मैंने सोचा थोड़ा दर्शन कराऊं, मैं भी अंदर माथा टेकाऊं, तो आया था मैं भी माथा टेकने अंदर मंदिर में। माय लिटिल ब्रो रॉक्स। मारा नीचे फुटानी सी लकीर आई, मतलब पानी निकल गया। मैंने तो पानी निकलने वाली बात है, पानी निकल गया, पानी की छिट्टे मारते बहुत। जय माता दी। मंदिर से निकल चुके हैं, निकलते यहाँ फाटक पे जाम लगा हुआ था बहुत तगड़ा। जाम खुलते ही मैं पहुंच गया यहाँ पे मिठाई की दुकान पे, मिठाई लेंगे, मिठाई लेके घर जाएंगे, घर पे फिर थोड़ी पूजा करके फिर ये बांटेंगे। पूरे दो तीन घर हैं हमारे वहाँ, फैमिली वाले हैं तो सबको बांटेंगे। वो खड़ी अपनी धन्नो मेरा लल्ला। मुझे बाबा किसी को नहीं पता यूँ तो। कैसी लग रही है फिर? हैं? हाँ मंदिर से होके आ रहा हूँ। जूली तेरे रंग की बाइक लाए, तेरे रंग की। हाँ तेरे रंग की है अभी। मम्मी और तालाब पे गए हैं, अभी वो आएंगे वो देखेंगे। अभी बाइक सामने खड़ी है, फिर रखेंगे मामा के घर पे खड़ी होएगी बाइक। एकेडमी में नहीं करता, रेस के नहीं लेना। जूली बस तू मिठाई ढूंढियो, बस तू मिठाई ढूंढियो बस। फटाफट मम्मी और आए, फिर मम्मी और को दिखाएं, उनके रिएक्शन देखते हैं। किसी को पता नहीं, किसी को नहीं पता। और भी जाके देखते ले, अरे बैठना होगा तब। फाइनली 10-15 मिनट वेट करके मम्मी आ गई है। मम्मी थोड़ी सी आरती कर रही है, इनकी धूप बत्ती दिखा रही है। धूप बत्ती दिखाने के बाद, सब जगह मिठाई बांटने के बाद, मिठाई मिठाई सबको खिलाने के बाद, मामा के घर खड़ी कर दी मैंने। अब चल रहे हैं, सोएंगे आराम से, गुड नाइट करते हैं। बाय बाय धन्नो, बाय बाय मेरे लल्ला, गुड नाइट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आप लोग।